हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। आज बात करूंगा सामान्य ज्ञान के बारे में, जो नेवी SSR उसमें आपके टेस्ट में देखने के लिए मिलती है। इससे पहले हम आपके लिए दो प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं, अब ये थर्ड प्रैक्टिस सेट है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, जो वाइस में नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? कौन सा ग्रह है? आप जानते होंगे बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं यमुना दिल्ली से गुजरती है, आगरा से गुजरती है, मथुरा से गुजरती है, लेकिन हरिद्वार से नहीं गुजरती है। हरिद्वार से गंगा नदी गुजरती है, तो कौन सी जगह? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, समता स्थल किसकी समाधि स्थल है, मतलब समता किसका समाधि स्थल है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी, जगजीवन राम। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, उसने पूछ रखा है, भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, 1969 में। बैंक के बारे में हम आपके लिए इससे पहले एक वीडियो दे चुके हैं जिसमें राष्ट्रीयकरण के बारे में बताया गया है। देखिए, आगे दे रखा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में त्रिसदनीय विधायिका की स्थापना, मतलब व्यवस्था है? तो कहाँ है फ्रेंड्स, कौन से देश में है, कौन सी कंट्री में है? ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट ये रखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर बी, 24 अक्टूबर 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, 2 सितंबर 1945। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, बहुत ही नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई को। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, 36 साइकिल, मतलब बाइसाइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स, बाइसाइकिल का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी, मैकमिलन। नेक्स्ट दे रखा है फ्रेंड्स, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, फरीद। नेक्स्ट दे रखा है, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए, लाहौर। नेक्स्ट दे रखा है, सात पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, रोम को। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसने कहा था? फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट दे रखा है, हिंद स्वराज पुस्तक की लेखक कौन थे, मतलब लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट दे रखा है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, इसे ध्यान से समझिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। और कहीं कहीं जैसे हम कोई अरिहंत वगैरह की बुक पढ़ते हैं तो उसमें किसी घनानंद वगैरह का नाम आता है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन कमी से होता है? फ्रेंड्स, स्कर्वी किसकी कमी से होता है? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट दे रखा है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नेक्स्ट दे रखा है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? फ्रेंड्स, आपको पता होगा जो राष्ट्रीय चिन्ह भारत का प्रतीक चिन्ह है उसमें कितने शेर हैं, आपको 3 शेर दिखाई देते हैं, लेकिन है कितने शेर उसमें, आपको पता होना चाहिए, उसमें 4 शेर हैं वैसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बोल रखा है, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय के कितने आगे है? तो ग्रीनविच रेखा जो हमारे, आपने सुना होगा ग्रीनविच रेखा से जहाँ से हमारा टाइम पीरियड लिया जाता है पूरी वर्ल्ड का, वो कहाँ पर, विषुववृत्त रेखा भी बोलते हैं इसे, हमारे इंडिया का टाइम उससे 5.5 घंटे ज़्यादा है, मतलब आगे चलता है। चलिए नेक्स्ट दे रखा है उसने, 47 उसमें वो रखा है, खेल शब्दावली शॉर्ट कॉर्नर किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए,
नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रगान जनगणमन के रचयिता कौन थे फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, अच्छा खासा नाम है, नोबल पुरस्कार सबसे पहले इन्हीं को दिया गया था। चलिए ये आपके सामने हो गए 25 क्वेश्चन हम आपके लिए करा चुके हैं सामान्य ज्ञान के। ये फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद हम आपके लिए बहुत ही जल्द आपके लिए जीके का प्रैक्टिस सेट डालेंगे और आप चाहें तो आपके लिए फिजिक्स का भी जरूर प्रोवाइड करेंगे। आप हमें कमेंट करिए और हम आपको फिजिक्स का जरूर प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।